अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले संगठन एयू के यूएस में जल्द ही जापान की एंट्री हो सकती है। चीन का मुकाबला करने के लिए तीनों देश जल्द ही बातचीत शुरू करेंगे, जिससे जापान के सदस्य बनने का रास्ता खुल सके और जरूरत पड़ने पर यह तीनों देश मिलकर चाइना का मुकाबला कर सके। आखिर क्या है एयू के यूएस और इसके माध्यम से सभी देश क्या करते हैं, आज की इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, एयू के यूएस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, जिसे हम रक्षा समूह बोल सकते हैं, जिसकी घोषणा 15 सितंबर 2021 को भारतीय प्रशांत क्षेत्र के लिए की गई थी, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित है। इस संगठन को बनाने का मकसद यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस संगठन को दो पिलर में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले पिलर का मकसद दुनिया भर में सबसे खतरनाक परमाणु पनहुब्बी की टेक्नोलॉजी को एक दूसरे की मदद से बनाना है। वहीं दूसरे पिलर का मकसद हाइपरसोनिक और एआई जैसी एडवांस्ड तकनीक पर मिलकर काम करना है। 2021 में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस एयूकेयू के जरिए भारत के लिए भी परमाणु पनहुब्बी की टेक्नोलॉजी को बनाने में एक दूसरे के सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वह इस समझौता में भारत को शामिल नहीं करेगा। इस पर हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी अच्छा समझौता भारत ने दुनिया के सबसे बड़े देशों के साथ किया है, जिस समझौता का नाम है क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यह यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जो कि ये चारों देशों के बीच सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास के लिए बनाया गया है। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं। ये चारों मिलकर बहुपक्षीय बातचीत करते हैं। इस वहीं अगर क्वाड से अलग हटकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकूस समझौता एक नए मिलिट्री अलायंस की शुरुआत है। इस तरह का मिलिट्री अलायंस करने में भारत में एक तरह की हिचकिचाहट है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ साथ रूस और ईरान से भी संबंध रखना चाहता है। दोस्तों, पिछले साल कैलिफोर्निया में हुई ऑकूस की मीटिंग में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने की डील की गई थी। प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 8 SSN ऑकूस सबमरीन बनाएंगे, जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑकूस की डील के मुताबिक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। वहीं जरूरत पड़ने पर उसे 2 और सबमरीन भी सप्लाई की जाएंगी। वहीं चीन ने हमेशा से ही ऑकूस को वैश्विक शांति के लिए खतरनाक बताया है। बता दें कि 1950 के बाद ये पहला मौका था जब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ साझा करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने किसी भी देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की सोचता भी नहीं था। चलिए अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर भारत इस समझौता में जुड़ जाए तो हिंद महासागर में हो रहे चाइना के आक्रामकता का क्या हाल होगा, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।